देंगे। देश में सुबह से कोरोना वैक्सीन लगाने का ड्राई रन होगा, इसके लिए हरियाणा के करनाल में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। वहां बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए फ्रिज समेत कई चीजों का इंतजाम किया गया है। दरअसल उत्तर भारत में करनाल में ही वैक्सीन रखने के बड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां से बाकी राज्यों और शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनका सेंट्रल स्टोर हमारे यहाँ पे करनाल में ऑलरेडी है, वहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। टोटल भारत में टोटल 7 ऐसे वैक्सीनेशन स्टोर्स बनाए गए हैं, उसमें नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली और करनाल दो को बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ जो करनाल वाला स्टोर है, इससे आसपास के राज्यों में भी और फिर पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी वैक्सीन भेजी जाएंगी। कोरोना वैक्सीन भारत में जल्द आ सकती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और भारत सरकार ने जहां अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं अगर बात की जाए नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में ऐसे कुल 2 स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। मेन स्टोरेज सेंटर करनाल का रहेगा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल में हम इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, यहाँ पर जो है वैक्सीन सबसे पहले एयरपोर्ट के बाद यहाँ पर रेफ्रिजरेटर वैन्स के माध्यम से यहाँ पर वैक्सीन पहुँचेगी। एक सेंटर करनाल में है और दूसरा सेंटर जो जानकारी मिली है दिल्ली में बनाया गया है। देश भर में ऐसे कुल 7 स्टोरेज पॉइंट्स जो है बनाए गए हैं, जहाँ पर पूरे देश भर से वहाँ से जो है वैक्सीन जो है सप्लाई की जाएगी। हालांकि करनाल का आप ये सेंटर देख सकते हैं, पूरी अंदर तैयारियां कर ली गई है, हालांकि मीडिया को अंदर जाने की मनाही है। CCTV कैमरा सेटअप जो है लगाए गए हैं, सुरक्षा यहाँ पर तैनात रहेगी और जो भी रेफ्रिजरेटर वैन्स के माध्यम से दवाई जो है दूसरे राज्यों में जाएगी वो इसी सेंटर से जाएगी। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं उसी सेंटर की, भारत सरकार के अधीन जो है ये सेंटर आता है। जम्मू कश्मीर में लगातार